बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। हम यूनिट 6 कर रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी, फिज़िक्स क्लास 9। आज के लेसन में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे। 4 ऑप्शंस में से आपने करेक्ट वन चूज़ करनी है, तो आप सवालों के जवाब दें। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी के 3 अहम सवालों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। पहला सवाल जो है, तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारा नबी कौन है, हम जिससे मोहब्बत का दावा करते हैं, और दीन क्या है, वो रास्ता जिस पे हम चलते हैं। तो प्यारे हैं बच्चों, हमें अल्लाह ने इस दुनिया में तीनों सवालों के जवाब के साथ भेजा है। हम हर नमाज में अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो हमें अपने रब को जानने के लिए, अपने नबी तक पहुँचने के लिए और सच का रास्ता इख्तियार करना है, वो रास्ता जिस पे तमाम अंबिया सिद्दीकीन शहीद चले। तो आज से कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू करें। हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। द वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस इज 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री और 180। हमने देखा था कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, जब वो एंगल बना रहा हो तो हम कॉस थीटा की वैल्यू ऐड करते हैं, और जब 90 डिग्री जो है का एंगल बना रहा हो तो उसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो अगर हम ज़ीरो को से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मोशन, द वर्क डन विल बी मैक्सिमम, मिनिमम, ज़ीरो, नन ऑफ द अबव। असल में ये उसी पहले क्वेश्चन ही की तरह है कि फोर्स या परपेंडिकुलर किसी मोशन के साथ एक्ट करती है तो राइट एंगल बनाती है, और आपको पता है राइट 90 डिग्री एंगल की वैल्यू ज़ीरो है, तो देर इज़ ज़ीरो वर्क डन। हम सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन द सेम, बिकम डबल, बिकम 4 times और बिकम हाफ। हम पहले पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv2। अगर हम वेलोसिटी जो है वो 2v लेते हैं डबल, तो हाफ एम को अगर हम करें तो ये हमारे पास 4 times हो जाती है। वेलोसिटी विल बिकम 4 times व्हेन द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 times जब हम वेलोसिटी को डबल करते हैं। द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक मास 2 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 5 meters अबव ग्राउंड विल बी 2.5 joule, 10 joule, 50 joule एंड 100 joule। हमने पहले देखा था कि जब हाइट पे कोई चीज़ जाती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है एम जी इंटू एच। तो एम हमारे पास 2 kg है, जी की वैल्यू 10 है और हाइट 5 है, तो हमारे पास 100 जूल इसका आंसर आता है। तो हम डी ऑप्शन को एनसर्कल करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 25 जूल, इट्स स्पीड इज, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है और मास है, तो हमने स्पीड जो है वो फाइंड आउट करनी है। हम वही फार्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv2। इसमें जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ गया 25 इज इक्वल टू v2 और v इज इक्वल टू 5 meters per second। तो हम पहली ऑप्शन को एनसर्कल करेंगे। आप कॉपी पेंसिल लेके इन इक्वेशंस को खुद भी सॉल्व करें, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर थर्मल और बाकी चीज़ों से करता है, और फोटो सेल इलेक्ट्रिक सेल। तो हमने पहले पढ़ा था कि सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर सेल। तो सोलर सेल के जरिए जो है वो लाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसमें फोटो सेल जो है, सोलर सेल को फोटो सेल भी कहते हैं, तो हम फोटो सेल ऑप्शन को एंड सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
When a body is lifted through a height h, the work done on it appears in the form of kinetic energy, potential energy, elastic potential energy, geothermal energy. हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई जब चीज़ हाइट पे जाती है तो इट एक्वायर्स पोटेंशियल एनर्जी. जैसे साइक्लिस्ट जो है वो पहाड़ी पे चढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी. तो जो हाइट की वजह से एनर्जी एक्वायर की जाती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. हम बी ऑप्शन को एनसर्कल करेंगे. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कोल इज हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. आपको पता है कि कोल जो है वो जल कम्बस्टन होती है और केमिकल रिएक्शन जो है उसके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड का इफराज होता है. इट इज़ द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कोल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी. हमने पढ़ा था कि जो पानी है वो हाइट में स्टोर किया जाता है डैम्स में, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है. तो हम पोटेंशियल एनर्जी को जो एन सर्कल करेंगे. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इन आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्वेशन सी इज द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ अर्थ. ई इज इक्वल टू ई एम सी स्क्वेयर जो है उसमें सी स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट. तो हम स्पीड ऑफ लाइट को ई फॉर एनर्जी, एम फॉर मास एंड सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, टॉर्क, पावर और मोमेंटम. तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एनर्जी की डेफिनेशन है एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत. तो सलाहियत को तवानाई कहते हैं, तो इसलिए एनर्जी की डेफिनेशन डिफरेंस है. फिर टॉर्क जो है वो है एन ऑब्जेक्ट फोर्स दैट कॉजेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो टॉर्क भी नहीं हो सकता. और फिर हम देख चुके हैं मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो इसके बारे में भी बात ही हो रही. तो बात हो रही है असल में द रेट एट विच वर्क इज डन, इट इज कॉल्ड पावर. तो हम इस ऑप्शन में पावर की डेफिनेशन है तो हम पावर को एनसर्कल करेंगे. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. तो उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें. थैंक यू फॉर